अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकास सवान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ अबाउट होमियोस्टेसिस। बट बिफोर डिस्कसिंग होमियोस्टेसिस डायरेक्टली, जस्ट हमें पेपर पैटर्न के ऊपर फोकस करना है। पेपर पैटर्न, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि टोटल 85 मार्क्स का बेटे आपका पेपर है थ्योरी का, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ 17 MCQs एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, ये 17 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 consist of 12 short questions and we have to do only 8 questions, so 8 multiplied by 2 is equal to 16 marks. Then question number 4, ye bhi short questions par mushtamil hai aur isme total 9 short questions hai hamare paas, humne 9 mein se koi se 6 short questions karne hai, to 6 multiplied by 2 is equal to 12, to ye beta ye teeno milkar hamara short questions ka सेगमेंट बनाते हैं। देन शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जैसा कि आपको मालूम है 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपने कोई से 3 करने हैं, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बोर्ड में तकरीबन पिछले 5 साल से कंसेक्यूटिवली यही पेयरिंग चल रही है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इसका 2 पार्ट्स होंगे, दोनों 4-4 नंबर के हैं, जैसे ये 4+4 ठीक है इक्वल टू 8, तो पहला पार्ट चैप्टर नंबर 15 में से आएगा, दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 25 में से। देन क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट चैप्टर नंबर 16 में से और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 20 में से, और ये भी 4+4 इज इक्वल टू 8। देन क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट चैप्टर नंबर 17 में से और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 27 में से लिया जाता है, 4+4 इज इक्वल टू 8। देन क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट चैप्टर नंबर 18 में से और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 22 में से लिया जाता है, तो 4+4 इज इक्वल टू 8। देन क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, पहला पार्ट चैप्टर नंबर 19 में से आएगा और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 24 में से लिया जाएगा। तो इस तरह से ये बेटे आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, 17 मार्क्स इसके हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 2 के 16 मार्क्स थे, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मार्क्स, और एट द एंड हमने इनमें से लेट से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं। लाइक ये अगर हम फर्स्ट 3 कर रहे हैं तो ये 8+8+8 24, तो ओवरऑल हमारे पास 85 मार्क्स का पेपर है। ये इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और पेयरिंग में बेटा अगर इन केस चेंज आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे।